तहसीलदार के आदेश का हवाला देकर राजस्व नगर पालिका और भारी पुलिस बल बेदखली करने पहुंचा। कोर्ट के दस्तावेज देखकर लौटा अमला। अबाना मामले में तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव के साथ चार लोगों को हुए हैं समन जारी। कहते हैं सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। ऐसा ही एक हाई प्रोफाइल विवादग्रस्त भूमि का मामला जिला मुख्यालय पर सामने आया है। इसमें कॉलोनाइजर अधिकारियों से मिलकर उक्त भूमि को हथियाना चाहते हैं। इस भूमि को कॉलोनाइजर अपने कब्जे में लेने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। इसके लिए गुना नगरीय तहसीलदार संदीप श्रीवास्तव भी एडी से लेकर चोटी तक का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन भूमि मालिक विश्ववीर सिंह रघुवंशी को न्यायपालिका पर पूरी तरह भरोसा है। वो अपने हक और अधिकार के लिए नियम कानून से लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच न्यायपालिका पर भी भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। तहसीलदार को आखिरकार गुरुवार उस समय मुंह की खाना पड़ी जब वहां उनके आदेश पर राजस्व नगर पालिका अमला भारी पुलिस बल के साथ उस जमीन से भू स्वामी को बेदखल करने पहुंचा तो कोर्ट के स्टे ऑर्डर और न्यायालय के दस्तावेज देखकर उन्हें बेरंग लौटना पड़ा। हालांकि तहसीलदार अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में मौके पर नहीं पहुंचे। उनकी राजस्व टीम ने आनंद फानंद में एक पंचनामा तैयार कर दो दिन में दस्तावेज पेश करने के साथ जमीन खाली कराने तक की बात कह डाली। दरअसल न्यायालय अपर तहसीलदार तहसील गुना नगर जिला गुना के द्वारा जिले के सिविल न्यायालय में चल रहे एक विचाराधीन प्रकरण में स्थिति होने के बावजूद भी कोर्ट की अवमानना करते हुए एक विवादग्रस्त भूमि पर अपना फरमान सुनाते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया। इसको चैलेंज करते हुए वादी कमल सिंह रघुवंशी और विश्ववीर सिंह रघुवंशी ने अभिभाषक के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग दो की अदालत में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की कार्यवाही के लिए वाद प्रस्तुत किया। उसमें न्यायालय के द्वारा सुनवाई करते हुए कोर्ट की अवमानना मामले में तहसीलदार सहित चार लोगों के खिलाफ समन जारी कर जवाब तलब किया है। पूरा मामला यह है कि आवेदक वादी कमल सिंह पुत्र जगन्नाथ सिंह रघुवंशी उम्र 72 साल निवासी ग्राम मगराना तहसील और जिला गुना के द्वारा मुख्यार्थ नाम विश्ववीर सिंह पुत्र कमल सिंह रघुवंशी उम्र 40 साल वंदना कॉन्वेंट के पीछे विन्याचल कॉलोनी गुना के सिविल न्यायालय में पृथक पृथक से दो प्रकरण चल रहे हैं। वादी के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी भूमि सर्वे क्रमांक 44 रकवा 14 बीघा 13 विश्वा ग्राम गुना छावनी तहसील जिला गुना में होना बताया है। इसके संबंध में एक सिविल वाद प्रकरण क्रमांक 209 RCSA 2020 पेश किया गया। इसमें न्यायालय के द्वारा वादी के आवेदन धारा 151 CPC पर सुनवाई करते हुए 16/10/2020 को यथास्थिति मौके पर बनाए रखने का आदेश पारित किया गया। इसका उल्लंघन प्रतिवाद गण के द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। बेदखली की कार्रवाई का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाला ये निर्देश दिए गए थे तहसीलदार द्वारा। इस न्यायालय का प्रकरण क्रमांक 3/70/2021-22 आदेश दिनांक 28/7/21 में बेदखली का आदेश हुआ है। निर्भित विषयांतर का देख है कि इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 3/70/21-22 का आदेश दिनांक 28/7/21 के अनावेदक विश्ववीर पुत्र कमल सिंह रघुवंशी निवासी विन्ध्याचल कॉलोनी वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पीछे द्वारा आवेदकों नारायण पुत्र जेठमल, किशनलाल पुत्र जेठमल आचार्य, विष्णु प्रसाद पुत्र जेठमल आचार्य, मोहनलाल पुत्र जेठमल आचार्य निवासी एनएफएल तहसील व जिला गुना द्वारा ग्राम छावनी भूमि सर्वे क्रमांक 44/2 रकवा 0417 हेक्टेयर 44/3/14 रकवा 0417 हेक्टेयर 44/4/13 रकवा 0417 हेक्टेयर 44/5/15 रकवा 0414 हेक्टेयर की भूमि पर बेजा कब्जा कर लिए जाने के कारण बेदखली का आदेश पारित किया गया है। अतः अनावेदक को आवेदकों की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर से बेदखल कर आवेदकों को कब्जा सौंपकर बेदखली कार्रवाई की रिपोर्ट में पंचनामा सहित एक रजिस्ट्री निकलवाई मैंने ये रजिस्टर ऑफिस से इस जमीन की, तो मुझे ये चार पेज रजिस्टर के दिए गए हैं। इनमें ना तो मुझे कुछ समझ में आ रहा, इसमें 420 हुई है रजिस्टर में। जब रजिस्ट्री आप स्टाम्प की पेश कर रहे हो तो फिर स्टाम्प की रजिस्ट्री तो रजिस्टर में भी रहती है ना, एक कॉपी रहती है ना, ये तो सबको पता है।
पर अपन को जो दिए जा रहे हैं, अपन ने बकायदा आवेदन लगा के निकलवाया था, जिसका स्टाम्प भी लगा है मेरा, स्टाम्प पे जो रजिस्ट्री निकली है तो मुझे चार पेज पकड़ाए गए हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में, और जो रजिस्टर में पिंचिंग नहीं है, अलग से लगे हुए हैं जी चार पेज, इस जमीन के पेपरों के चार पेज अलग से फंसाए गए हैं, रजिस्ट्री नहीं है, रजिस्ट्री नहीं है, जो चार पेज की फोटो कॉपी करके मुझे दी गई है ये है इसमें। इसके बाद में दो बार मुझे स्टे मिल चुका है, दो बार मुझे स्टे भी मिल चुका है, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हो रही साहब, उसको जो मान ही नहीं कर रहा है, न्यायालय इनकी निगाह में कुछ नहीं है, और एक तहसीलदार साहब ने ये आदेश भी किया है न्यायालय के खिलाफ गजा के, जो जमीन खाली तीन दिन में चाहिए उन्हें, तीन दिन में जमीन खाली करा रहे हैं वो तहसीलदार साहब, न्यायालय से बड़े होके तहसीलदार साहब ने ऐसा करा है, संजीव श्रीवास्तव जी ने मेरे से पैसे मांगे गए थे तो मैंने पैसे की मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। इसके बाद ये फैसला मेरे विपक्ष में गया है संजीव श्रीवास्तव, इसकी मैंने अपील भी करी है, और न्यायालय में जो केस भी चल रहा है साहब 2019 से चल रहा है, 2021 आ गई, जब से रजिस्ट्रियों पर रजिस्ट्री हुई जा रही है, रजिस्ट्रार भी मिला हुआ है कॉलोनाइजरों से, पैसे देते हैं रजिस्ट्री कराते हैं नामांतरण कराते हैं, संजीव श्रीवास्तव जी नामांतरण करवाते हैं तहसील में बैठे हैं, तो अब बताओ साहब मैं कहाँ पे जाऊँ न्याय मांगने,